गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स जी एस टी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हाँ फ्रेंड्स जी एस टी के अंदर जो जी एस टी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुके हैं उसको रिवोक करने के लिए जो एमनेस्टी स्कीम चल रही है उसको लेकर के काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जो है लोगों में आ रही थी कि हमने एप्लीकेशन जो है वो फाइल नहीं कर पा रहे हैं पोर्टल पे तो क्या है मैटर और किस तरीके से क्लैरिफिकेशन जो है यहाँ पर

रिवोकेशन कैंसिलेशन एप्लीकेशन जो है फाइल नहीं किया है तो इस सिचुएशन में टैक्स पेयर जो है वो ऑनलाइन फाइल कर सकता है रिवोकेशन बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर ड्यूरिंग द पीरियड और पीरियड क्या है फर्स्ट अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 23 के बीच में आपको ये रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर देना है और ये एप्लिकेशन जो आप फाइल करेंगे अंडर दिस स्कीम, वो ध्यान रखिएगा कि आपकी 31 दिसंबर 2022 या उससे पहले जो है कैंसलेशन हो गया हो ठीक है इसके बाद जो दूसरा है वो है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑलरेडी बिन फाइल्ड विच आर पेंडिंग विद द प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपका नंबर कैंसिल हो गया है उसके बाद आपने रिवोकेशन जो है वो ऑलरेडी फाइल किया है लेकिन रिवोकेशन फाइल करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर के डैशबोर्ड पे वो पेंडिंग एप्लीकेशन के रूप में दिख रहा है यानी कि आपने फाइल करा है बट आपका रिवोकेशन अभी तक अप्रूव या रिजेक्ट कुछ नहीं हुआ तो अब आप इस एमनेस्टी स्कीम में दोबारा फ्रेश अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको यहां पर अलाउ नहीं कर रहा है पोर्टल तो इस केस में क्या होगा इस केस में बताया द प्रॉपर ऑफिशियल शैल प्रोसेस द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन कंसीडरिंग द टाइमलाइंस एज़ प्रोवाइडेड वाइट द सेड नोटिफिकेशन तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपका नंबर कैंसिल हुआ पड़ा है आपने रिवोकेशन डाल रखा है और वो पेंडिंग है और आप दोबारा अप्लाई करने जा रहे हैं तो नहीं हो रहा तो आप अपने प्रॉपर ऑफिसर के पास जाकर के एक बार विजिट कीजिए उनको कहिए कि भैया जो हमने रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल किया था वो अब एक अप्रैल 2023 से लेके 30 जून 23 के बीच में आपको एक्शन लेकर के वो एप्लीकेशन जो है अप्रूव करना है आपको फ्रेश एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है उसी पुराने एप्लीकेशन को आप प्रॉपर ऑफिसर से मिलकर प्रोसेस करवा लीजिए तीसरा है द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉज फाइल्ड आपने रिवोकेशन फाइल किया लेकिन वो रिजेक्ट हो गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा और आपने उस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट अभी तक कोई भी अपील फाइल नहीं करी है तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है आपको सिंपली एक फ्रेश रिवोकेशन एप्लीकेशन जो है पोर्टल पे जाकर के फाइल कर देना है अगला सिचुएशन है एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन जो है फाइल किया गया प्रॉपर ऑफिसर उसे रिजेक्ट कर देता है और आप उस रिजेक्शन के अगेंस्ट चले गए हैं अपील में और अपील अभी आपकी पेंडिंग है और जो अपील आपकी पेंडिंग है उस सिचुएशन में अब यहां पर समझिएगा क्या हुआ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ आपने रिवोकेशन डाला वो रिजेक्ट हो गया आप चले गए अपील में और अपील अभी आपकी जो है वो पेंडिंग है तो अब आपको फ्रेश रिवोकेशन एप्लीकेशन जो है वो डालना पड़ेगा और ये जो पेंडिंग अपील है ये आपको विथड्रॉ कर लेनी है क्योंकि तो जब आपका नंबर चालू हो जाएगा तो आपको अपील में रहने का कोई मतलब नहीं है तो अपील विद्रॉ कीजिए और फ्रेश रिवोकेशन एप्लीकेशन जो है वो फाइल करके अपना नंबर स्टार्ट करवा लीजिए अगला है द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्टेड एप्लीकेशन एंड द अपील हैज बीन डिसाइडेड अब यहां पर क्या हुआ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया रिवोकेशन रिजेक्ट हो गया अपील भी रिजेक्ट हो गया अगेंस्ट में चला गया तो कुछ नहीं करना है आपको आपको सिंपली फ्रेश रिवोकेशन एप्लीकेशन जो है वो फाइल करना है तो ये पांच सिचुएशंस जो है करके गवर्नमेंट ने बता दिया है अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं और इस सर्कुलर के अंदर इस क्लैरिफिकेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं जो आपको ध्यान में रखना है ये जो स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है वो किन केसेज में एप्लीकेबल होगा वो सिर्फ और सिर्फ उनके ही केस में एप्लीकेबल होगा जिनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है वो किस लिए किया गया है वो किस लिए किया गया है क्योंकि आपने जो है सेक्शन ट्वेंटी नाइन के सेक्शन टू का क्लॉज बी और क्लॉज सी का वायोलेशन किया है यानी कि आपने अपनी जीएसटी रिटर्न्स चाहे आप रेगुलर में हैं या आप कॉम्पोजिशन में हैं आपने अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल करी और नॉन फाइलिंग्स ऑफ रिटर्न की वजह से आपका नंबर जो है कैंसिल हुआ है कैंसलेशन और भी कई कारणों से होता है अगर नॉन फाइलिंग की वजह से नहीं हुआ है किसी और कारण से हुआ है तो यह प्रोसेसेशन क्या है फर्स्ट अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में आपको कैंसिलेशन का रिवोकेशन फाइल करना है जो कि कैंसिल हो चुका है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2022 और जिसने अप्लाई नहीं किया रिवोकेशन के लिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको इस पर्टिकुलर रिवोकेशन के एमनेस्टी से रिलेटेड जो है वो समझना जरूरी है क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है कि सर हमारा एप्लीकेशन नहीं हो रहा हम एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉपर ऑफिसर मना कर रहे हैं चीजों को तो यहाँ पर आपको सारी चीजें एक साथ इस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली और जो नोटिफिकेशन आया है और जो प्रोविजन है सब चीज को एक्यूमुलेट करके देखना होगा और अकॉर्डिंगली अपना एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस करना होगा और जब आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स रिटर्न फाइल करें रिवोकेशन के अंदर एमनेस्टी में तो उसका आई उसका लेट फीस इन सारे चीजों के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस आपके साथ शेयर किया है जिसका बटन आपको ऊपर आई लिंक में मिल जाएगा और वहां से जाकर के आप वो वीडियोस जो है वो देख सकते हैं और अपने आप को गलत रिटर्न भरने से रोक सकते हैं ताकि आपको रिवोकेशन होने के बाद फिर से नोटिस का सामना जो है वो ना करना पड़े ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपको अपने एनालिसिस में जो हम लोग का टेक्स मैगजीन आता है हमारा जो हम लोगों ने टैक्स मैगजीन रिलीज किया है उसके अंदर आपको बताई है अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं साथ ही जीएसटी के अंदर रेलिवेंट प्रोविजन और रूल्स को डिटेल में समझना है तो आप हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स जो है उसको भी एनरोल करा सकते हैं जिसकी एक साल की रिकॉर्डिंग जो है आपको अवेलेबल कराई जाती है मैगजीन और कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए आपको Numbers screen पे पे दिए गए हैं हैं इन numbers पे call करके WhatsApp करके आप details ले सकते हैं और आप अपनी books finalization में लगे हुए होंगे के बाद तो आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट टूल्स जो है वो यूज करने के लिए आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं तो टूल्स परचेज करने के लिए भी आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं ये सारे जजमेंट्स और जो हमारे पास नोटिफिकेशन सर्कुलर्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड कर दिए जाएंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं आशा करते हैं रिवोकेशन से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था वो अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें Thank you and have a nice day.